हेलो दोस्तों मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास इलेवंथ के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सी डब्लू एस एन को दोस्तों सी डब्ल्यू एस एन का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स तो दोस्तों ये वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा दोस्तों हमारा ऑफ ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी एंड एंड डिसऑर्डर टॉपिक है दोस्तों टाइप्स इट्स नेचर जिसमें हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी को थर्ड टॉपिक है दोस्तों हमारा डिसेबिलिटी एटिकेट्स फोर्थ टॉपिक है दोस्तों हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसमें हम देखेंगे काउंसलर को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट को फिजिकल एजुकेशन टीचर को स्पीच थेरेपिस्ट को एंड स्पेशल एजुकेटर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो कि है दोस्तों हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर तो सबसे पहले बात आती है कि डिसेबिलिटी क्या होता है तो दोस्तों डिसेबिलिटी का मतलब होता है डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी तो दोस्तों डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि दोस्तों ये एक फंक्शनल लिमिटेशन होता है या रेस्ट्रिक्शन होता है मतलब दोस्तों लिमिटेशन का मतलब होता है दोस्तों कमियाँ और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक टोक तो दोस्तों ये जो डिसेबिलिटी है वो एक कमी है या फिर एक रुकावट है किसी भी इंडिविजुअल की दोस्तों एबिलिटी में जब वो दोस्तों कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने जाता है अब दोस्तों जो डिसेबिलिटी है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है बर्थ से भी आपके साथ हो सकती है और ड्यूरिंग लिविंग मतलब आप अभी जी रहे हैं तब भी आपके साथ डिसेबिलिटी हो सकती है अब इसका दोस्तों या फिर रेस्ट्रिक्शन है ये उनका दोस्तों बाई बर्थ है तो अब हम बात करें इनके साथ क्या क्या लिमिटेशन है तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो ब्लाइंड है उसका दोस्तों लिमिटेशन ये है कि वो देख नहीं सकता दूसरा है डीफ उसका लिमिटेशन ये है कि दोस्तों वो सुन नहीं सकता थर्ड है डम्ब उसका लिमिटेशन दोस्तों ये है कि वो बोल नहीं सकता और इसी को दोस्तों हम डिसेबिलिटी कहते हैं आई होप आपको डिसेबिलिटी समझ में आई होगी नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर डिसऑर्डर तो दोस्तों का मतलब होता है डिसऑर्डर डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन तो दोस्तों जो होता है वो भी दोस्तों एक रुकावट होता है वो भी दोस्तों एक ब्लिप होता है किसी भी इंडिविजुअल की फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए अब दोस्तों ये जो डिसऑर्डर है इस टर्म को हम यूजुअली यूज करते हैं मेंटल डिसेबिलिटी के लिए मतलब दोस्तों जो पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है उसे दोस्तों हम डिसेबिलिटी में आई डिसऑर्डर समझ में आया होगा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इट्स एंड नेचर तो दोस्तों जो डिसेबिलिटी तो है, है, तो है वो तीन टाइप की होती है कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन सभी डिसेबिलिटीज को तो सबसे पहली डिसेबिलिटी है दोस्तों हमारा डिसेबिलिटी इसे दोस्तों हम इनविजिबल डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी भी कहते हैं दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और इसके कारण कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर या प्रोड्यूस नहीं कर पाता है मतलब इस डिसेबिलिटी में किसी भी पर्सन की रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ सिम्टम्स तो सबसे पहला सिम्टम है मेमोरी डिसऑर्डर मतलब याददाश्त का खो जाना तो जिस भी पर्सन को काग्नेटिव डिसेबिलिटी होगा उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होगी मतलब उसको याद नहीं रहेगा कि पंद्रह मिनट पहले उसने क्या बोला था सेकेंड सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी मतलब जिस इंडिविजुअल को भी कॉग्नेटिव डिसेबिलिटी है वो लंबे समय तक किसी भी एक चीज पर अटेंशन नहीं दे पाएगा और थर्ड सिम्टम है डायलेक्सिया मतलब जिस भी पर्सन को काग्नेटिव डिसेबिलिटी होगी उसकी रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो दोस्तों इस डिसेबिलिटी में किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल पावर कम हो जाती है अब इंटेलेक्चुअल पावर में हम किसी भी चीज की डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को हम याद कर सकते हैं तो अब जिस भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी होगी वो किसी भी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर पाएगा और उसका जो इंटेलेक्ट है वो एकदम कम हो जाएगा थर्ड है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी तो इस डिसेबिलिटी में किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल पार्ट में कुछ खराबी होगी कुछ दिक्कत होगी जैसे अगर किसी भी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर में चोट लगी है तो उसका पैर काम करना बंद कर देगा तो ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं किन किन कारणों से डिसेबिलिटी हो सकती है तो पहला है जेनेटिक कॉज मतलब अगर किसी भी पर्सन के जीन्स या डीएनए में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उस कारण से उसे डिसेबिलिटी हो सकती है दोस्तों जीन्स में एबनॉर्मलिटी किसी डिजीज या एक्सरे के कारण हो सकती है सेकेंड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर किसी भी पर्सन का mental balance इतना सही नहीं है और अगर वो long time तक depression या stress में रहता है तो इसके कारण भी उसको disability हो सकती है और लास्ट कॉज है disability का accident. अब accident कहीं भी और कैसे भी हो सकता है दोस्तों अगर किसी भी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके कारण भी उसको डिसेबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा disability तो दोस्तों Atticates का हिंदी में मतलब होता है शिष्टाचार और यहाँ पर हमारे पास पूरा वर्ड है डिसेबिलिटी एडिकेट्स मतलब हम यहाँ पर डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं और डिसेबिलिटी एटिकेट्स का पूरा मतलब होता है कि हम डिसेबल्ड पर्सन को कैसे हैंडल करते हैं हम उनसे कैसे बातचीत करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है व्हेन टॉकिंग विद विद अ अ पर्सन पर्सन डिसेबिलिटी स्पीक डायरेक्टली टू दैट देन थ्रू कंपेनियन और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मतलब आप जब भी किसी भी डिसेबल्ड पर्सन से बात करते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिएगा ना कि उसकी किसी कंपेनियन या फिर इंटरप्रेटर के साथ क्योंकि इससे उस डिसेबल्ड पर्सन को अच्छा महसूस होगा सेकेंड है वेन इंट्रोड्यूस टू ए पर्सन विदिटीट हैंड्स मतलब अगर कोई पर्सन आपको किसी डिसबलता है तो ये अप्रोप्रियट होगा कि आप उनसे हैंडसेक करें इस चीज से उस डिस पर्सन को काफी अच्छा लगेगा और अगर किसी केस में डिसबल पर्सन के हाथ ही नहीं है और अगर वो आर्टिफिशियल हैंड्स को यूज करता है तो भी वो उस हैंड आप से आपसे हैंडसेक कर सकता है थर्ड है वेन मीटिंग अ पर्सन हु इज विज इम्पेयर सेल्फ एंड मेंसन से मिलते हैं और अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है मतलब वो ब्लाइंड है तो आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और अगर आपके साथ कोई और भी है तो आप उस पर्सन को भी उस डिस इंट्रोड्यूस कीजिए फोर्थ पॉइंट है ट्रीट एडल्ट एज एडल्ट मतलब अगर कोई डिसेबल पर्सन एडल्ट है तो आप उन्हें एडल्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए अगर आप उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे तो उन्हें इस चीज से बुरा लग सकता है एंड लास्ट पॉइंट है स्पीकिंग फॉर द पर्सन मतलब अगर आप कभी किसी पर्सन से मिलते हैं जिसे बोलने में थोड़ी दिक्कत है तो आप उसे पेशेंटली सुने उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और उन्हें बीच में टोकिए भी मत क्योंकि इस चीज से उन्हें बुरा लग सकता है नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन तो उसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को मतलब एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी स्टेटेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली ए स्पेशली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में जो एडेप्ट फ़िज़िकल एजुकेशन है वो दोस्तों एक स्पेशली डिजाइनड फ़िजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है किन के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें दोस्तों कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज़ होती है उनके शरीर में जिसके द्वारा वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मतलब दोस्तों जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है इसका एम क्या है द एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू हेल्प डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स टू अचीव फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ दोस्तों जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता है इनका मेन एम ये होता है कि जो दोस्तों डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको दोस्तों फिजिकली मेंटली इमोशनली और सोशल ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सके उन्हें भी दोस्तों ये सारी चीज़ें अचीव करने में मदद कर सके यही दोस्तों जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है उसका एम होता है नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मतलब एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप मोटर स्किल्स तो सबसे पहला कि जो भी सी डब्ल्यू एस एन वाले बच्चे हैं उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना एक बात सोचो कि क्या होता है जिसकी वजह से ये सी डब्ल्यू एस एन क्रिएट हो जाता है कि वो मेंटली इतना ज़्यादा वीक हो जाते हैं मेनली क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो उतना कोऑर्डिनेटिवली वर्क नहीं कर पा रहा है हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ जिसके वजह से उनकी उतनी फंक्शनल बॉडी नहीं है उनको छोटे छोटे एक्शंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जब ये सारी दिक्कतें होती है तो उनको दूर करने के लिए उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है तो जितनी अच्छी उनकी मोटर स्किल्स होगी उतना ही प्रिसाइजली वो मूवमेंट कर पाएंगे उतना ही अच्छा वो काम भी कर पाएंगे तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है कि उनकी मोटर स्किल्स को डेवलप करना सेकेंड आता है टू इन्हेंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज मिलने लोगों के अंदर इन बच्चों के अंदर क्या दिक्कतें आ जाती है कि ये बच्चे शुरू से ही अपने आप को सोसाइटी से अलग मानने लग जाते हैं अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करने लगते हैं और उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि वो नॉर्मल चीजों के अंदर भी पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं वो अपनी सेल्फ इमेज ही ऐसी बना लेते हैं तो जो थाट्स होती है उन बच्चों की उन लोगों की उन थाट्स को हटाने का काम और उनको बराबर दर्जा देने का काम होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट है इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एडेप्टिफ्ट फिजिकल एजुकेशन क्या करवाएगा वो पार्टिसिपेट करवाएगा स्टूडेंट को फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं इजिली क्योंकि वो उतनी अच्छी तरीके से कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाकी बच्चों के साथ और हो सकता है कि वो डिमोरलाइज भी हो जाए इन चीजों की वजह से तो अलग से उनको पार्टिसिपेट करवाना ये काम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट आता है इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव हमेशा से ही फिजिकल फिटनेस ही रहा है चाहे वो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हो या फिर नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन हो तो ओवरऑल उन बच्चों को भी फिजिकली फिट करना ये काम है फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट है मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट दे उनको खुद को भी मोटिवेट किया जाए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख पाए सोसाइटी से क्योंकि हर हमेशा कोई उनके साथ नहीं होगा जो कि उनको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा तो उनको खुद को भी मोटिवेट रहना चाहिए जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन भी कहते हैं उनको सोसाइटी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए नेक्स्ट है प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज जो होगी वो बहुत ज्यादा उनके अंदर होनी चाहिए तभी वो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक रहेंगे एंड बहुत ज्यादा खुद के लिए भी एफर्ट्स डालेंगे लास्ट आता है इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट्स सोशल एडजस्टमेंट जो होता है वो उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है उनके मेंटल कैपेबिलिटीज उतनी नहीं है तो उनका सोसाइटी के साथ जो एडजस्टमेंट होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है जो उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी करता है काफ़ी चीज़ों के अंदर तो उनको कैसे वो सोशली एडजस्ट हो ये काम है हमारे एडेप्टिव फ़िज़िकल एजुकेशन का कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करें ताकि वो सोशली एडजस्ट भी हो पाए

और दोस्तों ये जो स्कूल काउंसलर होता है वो हेल्प करता है बच्चों को उनके एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए उनके सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए उनके करियर डेवलपमेंट में भी ये उनकी हेल्प करता है ये कौन से बच्चों को दोस्तों हेल्प करता है तो दोस्तों ये हेल्प करते हैं सी डब्ल्यू एस एन वाले बच्चों को दो भी और दोस्तों जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं ये उनको भी हेल्प करते हैं और दोस्तों जो स्कूल काउंसलर होते हैं वो दोस्तों टीचिंग स्टाफ को भी असिस्ट करते हैं कैसे उनको दोस्तों स्ट्रेटजीज मेकिंग में ताकि वो सपोर्ट कर सकें स्टूडेंट्स को और दोस्तों जो स्कूल काउंसलर होता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी कैरी आउट करता है जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट एंगर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमको पता है कि जो सी वाले बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा प्रेसराइज होते हैं सोसाइटी से तो उन्हें दोस्तों काफी ज्यादा स्ट्रेस होता है उनका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई होता है वो हमेशा दोस्तों अपने आप को सोसाइटी से अलग मानते हैं तो इसलिए दोस्तों जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है एंगर मैनेजमेंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है ये उनकी हेल्प करता है और जो पॉजिटिव थिंकिंग है ये भी उनको हेल्प करता है कि वो पॉजिटिव रहे और सोसाइटी के बारे में ना सोचे और वो अपनी बेस्ट एबिलिटी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम में और दोस्तों जो स्कूल काउंसिलर होता है वो हेल्प करता है उन बच्चों को उनकी फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उनको कॉन्फिडेंस गेन करने में और दोस्तों वो हेल्प करता है उन सीडब्ल्यू एस एन वाले बच्चों को कि वो दोस्तों प्रोडक्टिव मेंबर भी बन सके सोसाइटी के नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट की जो दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट होता है, होती है और मोबिलिटी फिजियोथेरेपिस्ट का, 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 तो का रोल होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो उन पर्सन को मैनेज करते हैं जिनमें दोस्तों मूवमेंट डिसऑर्डर होता है या डिसेबिलिटीज होती है जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि चल नहीं पा रहा है तो दोस्तों उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लेग्स में जिसकी वजह से वो

और दोस्तों ये पर्टिकुलर अटेंशन भी देता है फिजिकल मोबिलिटी को कि जो पर्सन हैं वो फिजिकली मोबाइल रहे और दोस्तों जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका एम ये भी होता है कि वो देख सके कि दोस्तों जो सी डब्ल्यू एस एन वाले बच्चे हैं या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनका दोस्तों जो ऑस्चर है वो बैलेंस रहे उनके दोस्तों फटीग लेवल को भी ये रेगुलरली चेकअप करता है और उनके पेन टॉलरेंस को भी चेकअप करता है कि दोस्तों वो कितनी देर तक इतने पेन को दोस्तों वो टॉलरेट कर लेते हैं ये सभी जो एम है दोस्तों ये फिजियोथेरेपिस्ट के हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है सी एस एन वाले बच्चों को उनके सेल्फ केयर स्किल्स को परफॉर्म करने में जैसे कि दोस्तों ईटिंग ड्रेसिंग बाथिंग एंड ग्रूमिंग और दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है ये हेल्प करता है उन बच्चों को उनके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने में फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है दोस्तों मतलब वो काम जिसमें दोस्तों हमारे छोटे मसल्स का रोल हो जैसे कि ईटिंग में क्या है हमारे दोस्तों फिंगर्स का रोल होता है इसी तरीके के मूवमेंट्स में उनकी हेल्प करता है दोस्तों कौन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है किनकी उन बच्चों की सी डब्ल्यू एस एन वाले बच्चों की और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर तो दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को और उस हिसाब से दोस्तों वो जो स्टूडेंट्स होते हैं सी डब्ल्यू एस एन वाले उनका दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन लाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर ये काम होता है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन टीचर का और दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने में हैंड आई कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में और कार्डियोवेस्कुलर एफिशिएंसी को चेकअप करने में उनको मेंटेन करने में ये सारे काम दोस्तों होते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के नेक्स्ट दोस्तों हमारे स्पीच थेरेपिस्ट तो दोस्तों जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो दोस्तों उन बच्चों को सपोर्ट केयर प्रोवाइड करते हैं जिनको दोस्तों डिफिकल्टीज होती है कम्युनिकेशन करने में और दोस्तों जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं उन बच्चों को उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो दोस्तों ओवरकम कर सके फ्लुएंसी डिसऑर्डर को जैसे कि स्टॉपेजेस रेपिटिशंस और प्रोलोंगिंग साउंड इन सभी दोस्तों फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स को ओवरकम करने में जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं उन बच्चों की नेक्स्ट है दोस्तों हमारे स्पेशल एजुकेटर तो दोस्तों जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो दोस्तों असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को जिनको दोस्तों स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है किन एरियाज में तो दोस्तों स्पेशल स्किल्स में लर्निंग में कम्युनिकेशन में इम्प्रूविंग सोशल में मतलब दोस्तों वो सोशली इम्प्रूव हो और दोस्तों उनकी इमोशनल स्किल्स में भी उनकी हेल्प करते हैं और दोस्तों स्पेशल एजुकेटर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो असेस कर सकें स्टूडेंट्स की कोगिनेटिव एबिलिटीज को तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर फोर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सी डब्ल्यू एस एन ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है